मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सो जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं आपका दोस्त कैडिट संजीत कुमार आज का करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले कंटेंट बता देता हूँ कि आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। सबसे पहले जानेंगे इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में, ठीक है। आज का इम्पोर्टेंट डे क्या है, ठीक है, और नेक्स्ट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इन लास्ट मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है हमारी वो है हम जानेंगे कि आज का इम्पोर्टेंट डे क्या है। वैसे तो आज बहुत सारे कंट्री का इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट डे है वो दो हैं आज, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे एंड वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मार्क कर लेना, ठीक है। ये कब बनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, मई 18, ओके, मतलब सेकेंड वीक ऑफ मई में ऑब्ज़र्व किया जाता है। हम लगा के चल सकते हैं कि सेकेंड मे ऑफ वीक, मतलब मे ऑफ वीक या थर्ड। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। डिफेंस एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्या हो गया, CDS एग्ज़ाम हो गया या NDA हो गया, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मतलब कुछ कुछ ही चीज़ों से पूछा जाता है, ज़्यादा भी नहीं। मतलब कि आपको सब पढ़ना है, सब चीज़ें पढ़नी है भाई, यहाँ से हो गया, वहाँ से हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है, और भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट डे नहीं दिया हुआ है वो आते हैं, ठीक है। कुछ पिछले कुछ एक दो साल में भी आए हैं, इम्पोर्टेंट डे के बारे में पूछ लेते हैं वो, ठीक है। और बहुत सारे थोड़े टॉपिक्स हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको रिलेट करा दूंगा कि हाँ भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो मेजर टॉपिक जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ गिवन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड बाय ICC फॉर ईयर 2019, ठीक है। सो फ्रेंड्स, पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अभी आपको पता है 2020 तो कोरोना डिसीज़ की वजह से ही बहुत सारे हमारे जो चैम्पियनशिप होनी थी, ठीक है, और मैचेस होने थे वो बहुत सारे मतलब डिले हो गए, या तो कैंसिल कर दिए, और उनके अभी डेट आना मतलब इशू होना बाकी है, और बहुत सारे मतलब चेंजेस भी आए हैं, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा पुराना है, बट ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इसलिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है करंट अफेयर में, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है विराट कोहली, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड गोल प्रोग्राम अलॉन्ग विद द फेसबुक फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ। सो ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है फेसबुक ने, ठीक है, मिलके, और मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द गोल प्रोग्राम। आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री का नाम क्या है जिसने फेसबुक के साथ ये एक डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ मतलब प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, उसका प्रोग्राम का नाम है गोल। सो कौन सी मिनिस्ट्री है, ये इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का नाम बताना है, मतलब उनके मिनिस्टर का नाम बताना है आपको, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर का आपको नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 3, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन लोकेटेड इन विच इंडिया स्टेट। आपको बताना है कि जो फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेट करता है, कौन से यूटी या तो स्टेट, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली इन इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज ऑब्जर्व। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आजकल मतलब अभी ये डिसीज़ कोविड नोवल कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसके कारण हमें मतलब
कितने डिपेंडेंट हो गया फ़ोन पे हमारा, मतलब हम कैसे टाइम कंज्यूम करें न्यू चीज़ सीख रहे हैं, तो कितने डिपेंडेंट हो गया हम फ़ोन पे, हमारी एजुकेशन जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉलेजेस डिस्टेंस लर्निंग फॉलो कर रही हैं और ऑनलाइन पढ़ाने आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी टेक्नोलॉजी, मतलब अगर इंटरनेट ना हो और ये कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है आजकल, मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी में चीज़ें करना। सो कब बनाया जाता है ये डेज, मतलब कब सेलिब्रेट किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। सो ऑप्शन सी है 17 मई को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, पर उससे पहले इसका थीम जान लेते हैं कि नेक 2030 ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आई थिंक यहाँ पे 2020 होना चाहिए था, आई थिंक मिस्टेक हो गई है, बट मुझे लगता है ये टिल 2030 तक इनका गोल है, ठीक है। सो ये राइट है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पुलिस हैज़ लॉन्च थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। आपको बताना है कि थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, ठीक है, मतलब कौन सी स्टेट या यूटी की पुलिस ने लॉन्च किया है, लॉन्च किया है ये दिल्ली पुलिस ने, ओके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है कि दिल्ली पुलिस ने ये किया है, ये क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे CRPF के जवान, पुलिस के जवान, कोरोना वायरस उनको भी हो गया था, अफेक्टेड हो गए थे, ठीक है, कि वो चेक कर रहे थे, मतलब वो काफ़ी पास डिस्टेंस से कर रहे थे। तो इसमें क्या है ना कि आप 12 मीटर की दूरी पे ही, मतलब फीट की दूरी पे ही हम कर सकते हैं चेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड ऑन 16 मई। आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया में जो सेलिब्रेट करता है, ठीक है, मतलब अपना स्टेटहुड 16 मई को 1975 में, ठीक है, ये मतलब उनका ये स्टेट बनी थी, ये 22nd स्टेट बनी थी हमारी इंडिया की, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में फर्स्ट जो पायलट बनी है वो कौन बनी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुराना बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको डेफिनेटली, और ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, डिफेंस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिवांगी सिंह, इनका शिवांगी सिंह मतलब नाम, मतलब छोटा नाम से हम उनको शिवांगी, लेफ्ट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ठीक है, और इनका पूरा जो नाम है वो शिवांगी हरी भूषण सिंह, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देना बैंक एंड विजया बैंक गॉट मर्ज्ड विद द विच बैंक, ठीक है, ये दो बैंक कौन से बैंक के साथ मर्ज हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ राइट आंसर ऑप्शन ए, एंड सीईओ एंड एमडी हैं इसके संजीव चंदा चड्डा, ठीक है, संजीव चड्डा इसके सीईओ एंड एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट राजनाथ सिंह कमीशन इंडिया कोस्ट गार्ड शिप सचेत एंड टू इंटरसेप्टर बोट्स C450 एंड C551, सॉरी C451, ओके। सचेत मतलब दो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप मतलब कमीशन की गई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, हॉनरेबल राजनाथ सिंह, और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में की गई है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। हाँ, एक चीज़ पूछना भूल गया, आपको बताना है हु इज़ अ CM ऑफ गोवा राइट नाउ एंड गवर्नर। गवर्नर इनके आपको मैं बता देता हूँ, सत्यपाल मलिक जो हमारे JNK के पहले गवर्नर रह चुके हैं, और करंट गहरीश चंद्र मुर्मू अभी करंट गवर्नर है JNK के, और गोवा के हैं सत्यपाल मलिक, ठीक है। और इन चलो आपको CM भी बताया तो कौन है, प्रदीप सावंत इसके CM है गोवा के, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि पी
पीएम उज्ज्वल योजना हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच ईयर, ठीक है, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वल योजना निकाली थी, मतलब गैस सिलेंडर्स और मतलब बिजली वगैरह, ठीक है, उसके मतलब हर एक हाउस होल्ड में जा मतलब पहुँचे, तो कब ये स्टार्ट की थी ये योजना, ठीक है, ये लॉन्च की गई थी 2016 में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, गुजरात हैज़ लॉन्च आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ठीक है, सहाय योजना, तो ये बताना है आपको कि मतलब इसमें बताया गया है कि आप इस योजना के थ्रू गुजरात, जो भी गुजरात स्टेट में रहते हैं उनको इस योजना से क्या बेनिफिट होने वाला है, कि जो स्मॉल बिजनेसमैन और जो जो इंसान है जिनकी मतलब पे कम है, बहुत ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत ज़्यादा पे कम है उनकी, ठीक है, तो उनके लिए वो एक लाख का लोन ले सकते हैं और विद 2% इंटरेस्ट एनुअली, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अभी रिसेंटली बंगाली ऑथर है देवाश रॉय पास्ड अवे, ही वॉज अवार्डेड सत्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नोवल, ठीक है, आपको नोवल का नाम याद रखना है और ये कहाँ से बिलोंग करते थे वो भी याद रखना है और ऑथर का नाम ज़रूर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बंगाली ऑथर थे, ठीक है, और ऐसा पूछ सकते हैं कि ये ऑथर का नाम देख के आपको पूछ सकते हैं कि बुक का नाम मतलब नोवल का नाम बताइए, ठीक है, यहाँ ये पूछा जा सकता है कि आप ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है, यहाँ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, ये भी पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बांग्लादेश के जो नेशनल प्रोफेसर थे, ठीक है, पास जगह, उनका नाम था अनी सुजामन उनका नाम था, ठीक है, ही पास्ड अवे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल एकेडमी सिंस 2012, ही वाज आल्सो द फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान इन 1971। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक सिंस साइन अग्रीमेंट टू इम्प्रूव इरीगेशन सर्विस इन वेस्ट बंगाल, द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज, ये डॉलर नहीं होगा, ये रुपीज़ में आएगा, 145 मिलियन, ठीक है, रुपीज़, इंडियन रुपीज़, ओके, डॉलर नहीं है इस पर, गलती से हो गया हुआ ये, ठीक है, मिस्टेक है ये, आप ठीक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, आफ्टर ए 7 ईयर लॉन्ग वेट द थंजावुर नीति वर्क्स एंड द अरंभूर बोर्ड, ठीक है, ये बिलोंग कर दिए तमिलनाडु से, ठीक है, अवार्डेड द GI टैग, ठीक है, आपको याद रखना है, अभी बहुत सारे GI टैग दिए गए हैं, जैसे सेफ्रोन, ठीक है, कहाँ पे मिलता है, कश्मीर वैली में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, J&K, आपको याद रखना है, मतलब सेफ्रोन को GI टैग दिए गए, और भी बहुत सारे हैं, वो आपको आने वाले दिनों में मैं बता दूंगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, ऑन विच डे नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे इज़ ऑब्जर्व, सो आपको बताना है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, 16 में, ओके, 15th एडिशन है इसका ये। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, ऑन विच डे इंटरनेशनल लाइट डे इज ऑब्जर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आज का क्यूज आपके लिए, आपको बताना है विच यूरोपियन कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डिक्लेयर एन ऑफिशियल एंड फ्रॉम COVID-19, सो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है मोटिवेशन, सो करूँगा तो फौज करूँगा वरना कुछ नहीं करूँगा, दिस वॉज सेड बाय लेट कैप्टन विक्रम बत्रा, PVC इन कारगिल वॉर, आपको बताना है कि
आप इनके बारे में क्या जानते हैं आपको शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। पर उससे पहले मैं आपको बताया तो इनकी जो कलीग्स थे ठीक है वो इनको शेर शाह के नाम से बुलाते थे ठीक है। और इनका योगदान जो रहा है इनकी वीर मतलब इनका बलिदान जो हुआ है वो कारगिल वॉर में हुआ था ठीक है। जो इन्होंने बलिदान दिया था इन्होंने टाइगर हिल को कैप्चर करने में ठीक है अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी ठीक है। वेरी सुप्रीम सेक्रीफाइस ठीक है। और ये अपने 11th अटैम्प्ट में रिकमेंड हुए थे। इससे पता चलता है कि ये कितने मतलब कितने मोटिवेट थे डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। और यही एक मतलब कितनी बार फेल होने के बाद इन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं हुए और हमेशा अपने भाई से और खुद से कहते थे करूँगा तो फौज करूँगा वरना कुछ नहीं करूँगा। तो इससे पता चलता है कि एक असली ऑफिसर क्या होता है जो कभी हार नहीं मानता है ठीक है। और जो मतलब अपने आप को एकदम फोकस रखता है अगर जो चाहिए तो चाहिए करूँगा तो फौज करूँगा वरना कुछ नहीं करूँगा ठीक है। ये खुद से वर्ड मतलब फोकस उनका इतना फोकस स्ट्रांग था कि अपने 11th अटैम्प्ट में वो रिकमेंड हुए थे ठीक है। जबकि बंदे 11th अटैम्प्ट आते आते डीमोटिवेट हो जाते कि नहीं हो पाएगा बट इनको पता था ठीक है आई कैन डू इट ठीक है। तो इन्होंने करके भी दिखाया और मतलब इनसे दुश्मन भी डर रहा था ठीक है। तो उन्होंने भी कहा था शेर शाह लौट जा वरना मौत आएगी। पर इसने कहा इन्होंने कहा था कि 1 घंटे में पता चल जाएगा ठीक है। तो इनको गोली लग गई थी बहुत सारी। फाइनली जब कैप्चर कर लिया गया था तो ये इंजर्ड हो गए थे बहुत सारी गोलियां लग गई थी इनको। पर कैप्चर कर लिया गया था टाइगर हिल तक। और जब इनको मतलब हॉस्पिटल लेके गए ठीक है बेस कैंप पे तो वहाँ पे इनको डेड घोषित कर दिया गया। पर इनकी कुर्बानी और इनका साहस ठीक है और मतलब ऐसे ही जो हमारे मतलब ऑफिसर्स हैं ठीक है बहुत सारे ऑफिसर हैं आपको मैं बहुत सारी जानी शेयर करूँगा इनकी ठीक है। सो आपको याद रखना है लेट कैप्टन विक्रम बत्रा PVC इन कारगिल वॉर शेर शाह के नाम से जाने जाते थे। अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और मोटिवेट रहिए ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मी पर्सनली यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई यूज़र ID इज़ @संजीत.ig एंड यूज़र नेम इज़ @संजीत कुमार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बारे में पर्सनली जान सकते हैं।